नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे फॉरेक्स का डेटा जो आपको फ्राइडे नाइट में आते हुए देखने को मिलता है और इसका सीधा कोरिलेशन होता है बैंक निफ्टी से। तो डिस्कस करेंगे क्या डेटा आया है, कहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, कितनी खराब हैं, कितनी अच्छी हैं, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला हफ्ता आपको कैसे लगने वाला है, गिरेगा मार्केट या उठेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व का जो डेटा आया है वो आया है 2.33 बिलियन डॉलर का फॉल आया है और 590 बिलियन डॉलर पे हम लोग आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो डेटा मार्केट क्लोज होने के बाद आता है पूरी तरीके से, तो इसका इम्पैक्ट भी आपको मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस बार मंडे को मार्केट नहीं खुलेगा, आपको पता होना चाहिए मंडे मार्केट नहीं खुलेगा। तो ये जो आरबीआई का डेटा है ये ट्यूसडे को इम्पैक्ट करेगा, क्या करेगा, ट्यूसडे को इम्पैक्ट करेगा। और तब आपको पता है सारे ग्लोबल मार्केट का भी एक दिन का शिफ्टिंग का देखिएगा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दो तारीख को सारे ग्लोबल मार्केट खुले रहते हैं। तो इसलिए यानी कि जो 2 तारीख का ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट होगा, फॉरेक्स डेटा का जो इम्पैक्ट होगा वो आपको सीधा 3 तारीख को देखने को मिलेगा, क्योंकि मंडे को मार्केट नहीं खुलेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2.33 बिलियन डॉलर का देखिएगा आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो घाटा है ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। क्या हो चुका है, ये फैक्टर इन हो चुका है। बाजार देखिएगा करेंसी मार्केट को लेकर ज़्यादा पैनिक में नहीं है। क्यों, क्योंकि करेंसी अपनी जगह स्टेबल बैठी है, जबकि डॉलर देखिएगा आपको तूफान भरते हुए देखने को मिला है इस पर्टिकुलर वीक में। तो अगर आप कहेंगे कि डेटा अगर 8 बिलियन डॉलर का या फिर 7 बिलियन डॉलर का या 10 बिलियन डॉलर का आता तो आप कह सकते थे हाँ बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा एकदम न्यूट्रल आया है, 2.33 फैक्टर इन हो चुका है, क्योंकि आपको भी पता है करेंसी अपने आप से एडजस्ट हुई है और आरबीआई ने फिर भी कंट्रोल करके अपने घाटे को अगर 2 बिलियन डॉलर तक ही सीमित रखा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है फॉरेक्स में जो पोजीशन आरबीआई बनाता है डॉलर उसके अपोजिट देखिएगा रिएक्शन दे रहा है, डॉलर 106 के पास पहुंच चुका था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट आना चाहिए था। बट ये जितना डेटा आया है वो डेटा आप बहुत आराम से कह सकते हो कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेटा पेनफुल नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे प्रीवियस वीक भी देखेगा कोई बड़ा पेन नहीं था, इवन 1 बिलियन डॉलर का भी घाटा नहीं हुआ था। तो अगर आप 14 दिन में देखें डॉलर इंडेक्स वो तो इस तरीके से शूट अप हुआ है, लेकिन हमारे फॉरेक्स बहुत धीमी गति से गिर रहे हैं, बहुत धीमी गति से। तो जैसे ही डॉलर क्रैश होगा या डॉलर में अचानक से देखेगा डाउनफॉल आएगा तो वो आपको तुरंत देखेगा रिफ्लेक्ट होगा हमारी पोजीशंस में। और अगर आप देखेंगे तो आरबीआई देन अचानक से देखेगा फॉरेक्स का डेटा शूट अप होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीआई को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर अपडेट है इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और ये एफसी अकाउंट के कारण देखिएगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एफसी अकाउंट में 2.5 बिलियन डॉलर का लॉस था। इसके अलावा देखेंगे गोल्ड में आपको बड़ा लॉस नहीं हुआ है, मेजर लॉस नहीं हुआ है, आप देख सकते हो गोल्ड में आपको प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए गोल्ड्स रिजर्व वर अप बाय 307 मिलियन डॉलर, तो आप देख सकते हैं केवल और केवल एक न्यूट्रल लॉस हुआ है आपको एफसी अकाउंट में। आप जैसा चेकआउट कर सकते हो गोल्ड रिजर्व में, यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिली है। SDR अगर आप देखेंगे तो बहुत ही देखिएगा नॉमिनल इसमें कमी है, 79 मिलियन डॉलर, जो कि बहुत कम होती है। और अगर आप देखेंगे द कंट्री रिजर्व पोजीशन इन द IMF जो डिक्लाइन हुई है वो केवल 11 मिलियन डॉलर से हुई है, जो कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आपके गोल्ड अप है, SDR में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप देखेंगे IMF में भी आपकी पोजीशन कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं है। तो ऐसे में इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स का जो इम्पैक्ट पड़ेगा
वो एकदम न्यूट्रल पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से कोई बड़ा पेन मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट करेगा निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, और फर्दर जो भी इवेंट होंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।